सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 6 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट है इंग्लिश। 3 फरवरी 2021 की वर्कशीट है, पोएम है वोकेशन। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। रीड द पोएम एंड कंप्लीट द गिवन लाइन्स फ्रॉम द पोएम। पोएम को पढ़ना है और इन लाइन्स को पोएम से कंप्लीट करना है। तो देखिए बच्चों, हमने जो पोएम पढ़ी थी उसमें ये लाइन थी कि बच्चा कहता है आई विश आई वर ए हॉकर, मैं चाहता हूँ कि काश मैं हॉकर होता। ठीक है, मतलब फेरी लगाने वाला होता तो वो क्या करता। हम ये लाइन ऐड कर देंगे। स्पेंडिंग माई डे इन द रोड क्राइंग बैंगल्स क्रिस्टल बैंगल्स। वो कहता है मैं अपना पूरा दिन कैसे बिताता, रोड पर चिल्लाते हुए बिताता कि चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। ओके, नेक्स्ट है आई विश आई वर ए गार्डनर, मेरी इच्छा है कि काश मैं एक माली होता। ठीक है, तो वो क्या करता बच्चों, तो जो वो करता हम वो लिख देंगे पोएम से देखकर। डिगिंग अवे एट द गार्डन विद नोबडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। मैं गार्डन में खोदता रहता और कोई भी मुझे खोदने से नहीं रोकता। आई विश आई वर ए वॉचमैन, मेरी इच्छा थी, मेरी इच्छा है कि मैं काश क्या होता, वॉचमैन होता, चौकीदार होता। तो वो क्या करता, वॉकिंग द स्ट्रीट ऑल नाइट चेजिंग द शेडोज विद माई लालटेन। मैं सारी रात गलियों में घूमता और अपनी लालटेन का जो परछाई होती है उसका पीछा करता रहता। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर कुछ और सेंटेंसेज हैं। लेट अस ट्राई टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज ऑन आवर ओन। हमें ये अपने आप फिल करने सेंटेंस। इफ आई वर ए सोल्जर, यदि मैं एक सैनिक होता तो मैं क्या करता, तो फिर हम यह लिख सकते हैं आई सर्व माई कंट्री, मैं अपने देश की सेवा करती या मैं अपने देश की सेवा करता। ठीक है, अगर बॉय हैं तो वो ऐसे बोल सकते हैं। बी है इफ आई वर ए शेफ, अगर मैं शेफ होता आई कुक डिलीशियस फूड, मैं स्वादिष्ट भोजन पकाता। इफ आई वर एन आर्टिस्ट, अगर मैं आर्टिस्ट होता तो मैं क्या करता, आई मेक ब्यूटीफुल पिक्चर्स, मैं सुंदर तस्वीरें बनाता। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, रीड द स्टैंजा फ्रॉम द पोएम एंड लिस्ट आउट द वर्ब इन द स्पेस प्रोवाइड। हमें यहाँ पर वर्ब लिखनी है जो यहाँ पर दी हुई है पैराग्राफ में, जैसे व्हेन एट 4 इन द आफ्टरनून आई कम बैक फ्रॉम द स्कूल। यहाँ वर्ब आई है कम, आई कैन सी, सी वर्ब है, यहाँ लगा देंगे हम, ये हमने लिख दिया। ठीक है, थ्रो द गेट ऑफ दैट हाउस द गार्डनर डिगिंग। डिगिंग क्या है, ये भी वर्ब है, यहाँ पर भी है डिगिंग, यहाँ पर भी है, तो हमने एक ही बार लिख दिया। ही डज वट ही लाइक्स, लाइक्स लिख दिया हमने, विद हिज स्पैड ही सोल्स हिज क्लॉथ विद डस्ट, नो बडी टेक्स हिम टू टास्क इफ ही गेट्स, गेट्स वर्ब है, एंड बैग्ड ये भी वर्ब है। इन द सम और गेट्स, देखिए गेट्स भी दो बार आ गया, ये भी वर्ब होती है। ठीक है, आई विश ये भी वर्ब है। आई वर ए गार्डनर, डिगिंग अवे एट द गार्डनर विद नो बडी टू स्टॉप मी फ्रॉम डिगिंग। तो ये कुछ वर्ब्स थी जो हमने यहाँ से देखकर यहाँ लिख दिया। ठीक है, अंडरलाइन भी कर दिया और लिख भी दिया। कम, सी, डिगिंग, लाइक्स, टेक्स, गेट्स, बैग्ड, विश, स्टॉप। तो ये सब वर्ब्स हैं बच्चों, ये आप ऐसे लिख लेंगे कॉलम में सामने, तो आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।